moments later. आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं मानस और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से सफरनामे में। दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा धमाकेदार, एकदम एक्साइटिंग वीडियो आज आप लोग के लिए फिर से लाया हूँ। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को अलग अलग बिजनेस के बारे में बताते रहते हैं, तो आज भी मैं आप लोग एक नए बिजनेस के बारे में बताने वाला, बहुत ही खास होने वाला है। आप देख सकते हैं हमने आपको तरह तरह की, देखिए इस तरह से पैकिंग वाले पूरे बिजनेस के बारे में बताया है। तो आज मैं आप लोगों को इसमें जो मटेरियल पड़ता है, इसमें जो आप लोग खाते हैं, उन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने का और पूरा पैकेजिंग का काम आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोगों को देखिए इस तरह से पफ हो गए, चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, तो इस तरह से पूरा मेकिंग का काम आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कैसे आप इस व्यापार को शुरू करके मतलब महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट से, और काफ़ी अच्छा बेसिकली आप लोगों का यहाँ पर बेनिफिट, काफ़ी अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग पे। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पे ओनर से, यहाँ पे बिजनेस के बारे में सारा कुछ डिटेल बताता हूँ आप लोगों को, कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है, मशीनरी की क्या कॉस्ट पड़ रही है, कैसे रॉ मटेरियल वगैरह आएगा, सारा कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ के ओनर मेरे साथ आ गए, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या सुनना है सर? साबिर खान। ओके, तो सर हमारे व्यूअर्स को इस बिज़नेस के बारे में बताइए और क्या क्या चीज़ों की प्रोडक्शन हम करते हैं, क्या क्या ऐसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो एक पफ का प्लांट है। इस पफ के प्लांट में हम डाई चेंज करके 7-8 तरह के आइटम बना देते हैं, जैसे पफ है, रिंग, स्टार, चीज़ बॉल, पोला, काजू कचरी, जिग जैग, इस तरह के जो भी आइटम होते हैं डाई चेंज करके हम एक ही मशीन से 10-12 तरह के आइटम इसमें बना देते हैं। ओके, और सर अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ बनती किस चीज़ से होगी? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पफ आइटम या रिंग जो भी है, ये रॉ मटेरियल लगता है चावल और मक्का, इसका जो मेन आइटम होता है ठीक है चावल और मक्का होता है जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप लोगों का पूरा पफ वगैरह, यहाँ पर रिंग वगैरह जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए सारा कुछ यहाँ पे बनने वाला है। तो सर अगर मान लीजिए कोई यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कितने इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट कर सकता है? देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत होती है, मशीनरी होगी, उसके बाद रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद अपना पन्नी छपवानी पड़ती है, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल जो खर्चा आता है 8-10 लाख रुपए के आसपास का खर्चा पूरे प्लांट में आता है। अच्छा, पूरे प्लांट में जी, ठीक है। और उससे अगर मान लीजिए डेली का वो 10 घंटे भी काम करे तो उससे कितनी प्रोडक्शन कर सकता है? ये जो पैकेजिंग मशीन होती है इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये पैकेजिंग मशीन एक घंटे में 1800-2000 पैकेट निकालती है मैक्सिमम, ठीक है। अगर हम पूरी लागत निकाल के देखते हैं तो हमारा जो एक पैकेट होता है मैक्सिमम 2.5 रुपए के आसपास पड़ जाता है और 3.5 रुपए का सेल होता है। अच्छा जी, एक पैकेट पे हमें 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट है जी, ठीक है जी। तो अगर हम महीने की बात करूँ, अगर महीने में कोई 10 घंटे भी काम करे डेली का तो 1 लाख रुपए ज्यादा की इनकम हो जाएगी। देखिए, अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है 20,000 पैकेट हो गए जी, 20,000 से सीधा हो गया 20,000 का प्रॉफिट पड़ेगा। तो महीने के हिसाब से अगर छोटी उट्टी काटे तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। क्या बात है, मतलब मैं बात करूं तो 2 से 3 महीने में आप लोगों की पूरी कॉस्टिंग मशीन की निकलने वाली है, उसके बाद आप लोगों का शुद्ध मुनाफा इसमें होने वाला है। मेजर जो चीज होगी वो होगी मार्केटिंग पे, आप कितने अच्छे तरीके से इसको सेल करते हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका पूरा प्रॉफिट जी जी, ठीक है। सबसे पहले पंप बनाने के लिए हम बैच मिक्सर में अपना बैच रेडी करते हैं, ठीक है। बैच में हम चावल और मक्का डालते हैं, ठीक है सर। 50 किलो का अगर हम बैच रेडी करते हैं तो उसमें 30 किलो हम मक्का डालते हैं और 20 किलो चावल डालते हैं, ठीक है। उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें मॉइस्चर डालते हैं, थोड़ा पानी डाल के उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए उसको मिक्स किया जाता है। मतलब ये दोनों का मिक्सचर यहाँ पे मिक्स हो रहा है जी, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या डालना है भैया? चावल डाल रहे हैं, अभी मक्का डाला हुआ है इसमें, अभी चावल डाल रहे हैं, ठीक है जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से पूरा आप लोगों की मिक्सिंग होती है चावल और मक्के की। इसमें पानी डाल रहे हैं, जितना हमको मॉइस्चर चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डाला जा रहा है। जैसे 50 किलो का है तो इसमें 2.5 लीटर पानी डाल रहे हैं, 50 केजी के बैच में हम 2.5 लीटर पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्स किया जाएगा प्रॉपर। बैच मिक्सर में से हम रॉ मटेरियल अपना बाहर निकाल रहे हैं, अब ये सीधा एक्सट्रूडर मशीन में जा रहा है। एक्सट्रूडर मशीन में हमने पफ की डाई लगाई हुई है फिलहाल, अभी हम आपको पफ की प्रोडक्शन चालू करके दिखाते हैं कि चावल और मक्का से पफ की प्रोडक्शन कैसे चालू होती है, कैसा पफ निकलता है। रॉ मटेरियल ऑपर में डाला है, स्क्रू के थ्रू वो हेड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से पफ निकल रहा है, ठीक है। ये पफ इस कटर से कटर के कन्वेयर के थ्रू ये रोस्टर में जा रहा है जी, रोस्टर में यहाँ पे ये रोस्ट हो रहा है जी। यहाँ पे रोस्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक अपना मसाला मिक्सर में आएगा। अच्छा, ये जो बेल्ट होगी एक रोस्टर बेल्ट दे रखी है जी, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है जी। ये रोस्टर हो गया, ठीक है। रोस्टर में यहाँ से माल निकल के ऑटोमेटिक फ्लैरी ड्रम में जा रहा है, फ्लैरी ड्रम में यहाँ पे ऑयल स्प्रे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑयल स्प्रे हो रहा है, यहाँ पे ऑयल इसमें मिक्स हो रहा है। ओके, ऑयल मिक्स होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मसाला इसमें लगा हुआ है, मसाला फीड हो रहा है इसमें। अच्छा, ऊपर से ये मसाला आप जैसा चाहें वैसा इसमें डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये मसाला इसमें जा रहा है और ये मिक्स होके हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर निकल रहा है। अरे वाह, ये दोस्तों मतलब इस तरह से पूरा कंप्लीट आप लोगों का पफ वगैरह यहाँ पर पूरा बन जाएगा जी। अब इस प्रोडक्ट को उठा के सीधा पैकेजिंग मशीन में डाल दिया जाएगा, ठीक है, और ये पैक होकर लड़ी बन के बाहर निकल जाएगा। अच्छा जी, पूरा ऑटोमेटिक प्लांट बोलते हैं इसको, ऑनलाइन प्लांट बोलते हैं जी। वहाँ पे आपने रॉ मटेरियल उसमें डाला, उसके बाद वो पफ बन के कन्वेयर के थ्रू रोस्टर में, रोस्टर से ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक रोस्ट होके मसाला मिक्सर में, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑयल स्प्रे और मसाला मिक्स होकर बाहर निकल जाता है। तो मसाला जैसा आप चाहो वैसा ऐसे मिक्स करवा सकते हैं, जैसा टेस्ट आपको चाहिए। मैंने दिखाया था आपको, उस तरह के टेस्ट डाल के आप टेस्ट ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से पूरा बन करके तैयार हो जाएगा, इसको फिर आप पैकेजिंग वाली मशीन में डाल सकते हैं इसको। ये मशीन 80 से 100 किलो एक घंटे में प्रोडक्शन देती है। अच्छा जी, एक घंटे में 80 से 100 किलो प्रोडक्शन देगी, उतना ही ये रोस्ट करेगा। हाँ। और उतना ही ये मसाला में मिला देगा। अच्छा, उतना ही मसाला मिलेगा इसमें। पूरी एक लाइन है जी। और जो हमारी पैकेजिंग मशीन होती है उसकी प्रोडक्शन 2000 की होती है। और सर अगर मैं बात करूँ तो रॉ मटेरियल और लेबर वगैरह कितने लगेंगे इसके अंदर? देखिए रॉ मटेरियल तो आपको अपने बजट के हिसाब से भरना, कितने का भर सकते हैं। ठीक है, लेबर इसमें 4 से 5। मतलब अगर मैं 100 किलो का रॉ मटेरियल इसमें डालूं तो 100 किलो उसमें बन के निकल जाएगा? नहीं सर, थोड़ा फालतू निकलेगा, क्योंकि थोड़ा फालतू पानी भी डालते हैं और एयर भी भरती है। अच्छा जी, उसके बाद पैकेजिंग मशीन में प्रोडक्ट जाएगा जी। ये जो आप देख रहे हैं इसको एयर ड्रायर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कंप्रेसर एयर को इसमें कनेक्ट कर देते हैं और इसके पाइप को मशीन में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है जो कंप्रेसर का मॉइस्चर होता है, जो स्मेल होती है उसको ड्राई करके मशीन को देता है। उस एयर को हम पाउच में डालते हैं। ठीक है जी, ताकि हमारा पाउच की वैलिडिटी बनी रहे, पाउच हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो। तो यहाँ पर ये पाउच पैकिंग का पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा। ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है, इसमें हम हॉपर में माल डाल देते हैं, जितना ग्राम हमको पैक करना है उस हिसाब से इसमें कप लगे होते हैं। एमआरपी डेट के लिए इसमें कोडिंग लगी हुई होती है। ठीक है, प्रोग्राम इसमें डाल देते हैं, जितने की लड़ी हमको चाहिए उतनी लड़ी ऑटोमेटिक मशीन काट के निकालती रहती है। अच्छा जी, और इसकी क्या प्रोडक्शन होगी, इसकी बात करें तो? सर तो ये मैक्सिमम 1800-2000 पैकेट निकालेगी घंटे का। अच्छा, एक घंटे का। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आप लोग पूरा पफ मेकिंग और पफ पैकेजिंग का पूरा काम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जैसे ही आपने पूरी मशीनरी पूरा सेटअप दिखाया, तो इसकी पूरी कॉस्ट क्या पड़ने वाली है? ये 5 लाख से स्टार्ट होता है हमारा। अच्छा जी, 5 लाख से स्टार्ट होता है और जैसे आपको मशीन चाहिए उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, देखिए ये फ्लेवर होता है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको टेंगी टमाटर हो गया, नहीं खट्टा मीठा हो गया। ठीक है, ये मसाले हम प्रोवाइड करा देते हैं, मैगी मसाला हो गया चटपटा वाला, ये भी हम करवा देते हैं, पंजाबी तड़का हो गया और चटपटा हो गया। ठीक है, कटोरी में डालने के लिए ये सारे प्रोवाइड हम करवा देते हैं। मतलब जितने मसाले वगैरह हैं वो सारे आपके पास से मिलने वाले हैं? जी, वो मसाले हो गए, इस तरह के रोल हो गए जो आप देख रहे हैं। अच्छा जी, ये सब हम प्रोवाइड करवा देते हैं अपने क्लाइंट को। मतलब अगर किसी को अपना ब्रांड वगैरह भी छपवाना है तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी आपके पास? वो भी हम प्रिंट करवा के दे देते हैं। ठीक है सर, ये ग्रिट हो गया रॉ मटेरियल। अच्छा, हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, इसमें टॉयज डालते हैं, जैसे बच्चों के टॉयज होते हैं जो पाउच में डाले जाते हैं, ये सब हम प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, मतलब जैसा भी आप लोगों को चाहिए रॉ मटेरियल वगैरह वो सारा सर से मिलने वाला है आपको। सब मान लीजिए जैसे किसी का इन्वेस्टमेंट कम हो, किसी का बजट कम हो, तो वो भी क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकता है आपसे? बिल्कुल सर, ये इसमें सिर्फ एक पाउच पैकिंग मशीन खरीदने की जरूरत है। अच्छा, सिर्फ ये मशीन ले ले अगर को? बिल्कुल बिल्कुल, इस पाउच पैकिंग मशीन को खरीद कर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं बस। ठीक है जी, कम बजट है। ओके, और ये हम इसको माल प्रोवाइड करेंगे, ये लूज माल भी दे देंगे हम। ठीक है, जैसे कि इसमें पफ है, चौमीन है, ये रिंग है जी, और ये कटोरी है, और भी बहुत सा आइटम है सर, वो हमसे आकर लूज माल ले, मतलब कोई इस तरह का बना बनाया भी यहाँ पर लेकर के अपना पैकेजिंग करके अपना सेल कर सकता है मार्केट में, उससे भी वो इनकम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी, और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग वगैरह की बात करूँ तो वो आप डिटेल दे देंगे? बिल्कुल सर, दे देंगे। कोई भी आपसे कंफर्म करेगा तो उसको आप सारा कंफर्म कर देंगे? फोन कर हमसे या मिलकर जी ले सकते हैं। दोस्तों अगर हमसे कोई माल लेना चाहता है दादरी के नियर बाई में, NCR में, तो हम अपनी NTS ब्रांड से हर आइटम बना रहे हैं। अच्छा जी, चाउमीन है, कटोरी है, पास्ता है, रिंग है, और भी बहुत आइटम है, 15 तरीके का आइटम है। मतलब बात करूं तो आप खुद का ये ब्रांड बना रहे हैं, बस उसको सेल भी कर रहे हैं? ये हमारा ब्रांड है, NTS के नाम से है। ठीक है, और दादरी में अपनी फैक्ट्री है सर, और आपका हमसे माल खरीद सकते हैं अगर। ओके, तो दोस्तों ये आप लोगों को पूरी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्लांट, पूरा बिजनेस के बारे में बताया, मतलब किस तरह से आप, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो यहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कम पूंजी भी है तो हर तरीके से आप लोगों का व्यापार घर बैठे यहाँ पे शुरू होने वाला है, और महीने की आप काफ़ी अच्छी आमदनी, काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं यार, मेहनत करते रहते हैं ताकि आप लोगों का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो सके। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे भाई लाल कलर का बटन होता है उसको दबा करके उसे बोलूं घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।